Welcome to dear Educatees. This is Sakshi Gaur and we are back with our new video. Students, हमारे exams अब near by हैं. I know it very well. कुछ topics मेरे according cover करने रह गए थे जो मैं try करती हूँ कि आपके exam से पहले उन्हें cover कराऊँ. आज हम दो topic cover करेंगे. First one is producer equilibrium, second one is consumer equilibrium. So let's start students. जो producer equilibrium है, अगर ये question हमारे exams में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स में ही रिपीटेड मोड पे पूछा जाता है. CBSE हमेशा ये क्वेश्चन कोशिश करती है कि वो पूछती है. 1-2 एग्जाम्स में ही ऐसा रेयर हुआ है कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन हमारा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आता है वो किस तरह से आता है. एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ MR एंड MC अप्रोच. तो अब देखिए जैसे कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे Who is producer? What is producer? Producer जो है, producer is a person who produces goods and services. Producer एक वो person है जो goods और services को produce करता है. A producer is in position of equilibrium. अब producer जो है equilibrium की position में कब आएगा? When following 3 conditions are satisfied. जब हम इन 3 conditions को satisfy कर देते हैं तब. First condition is MR is equal to MC. मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए. सेकेंड, MC शुड बी राइजिंग. मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी राइजिंग होनी चाहिए. और प्रॉफिट जो है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं वो क्या होगा हमारा TR माइनस TC, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को जब माइनस कर देंगे. अगर हम ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है. तो अब आगे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. मैंने लिखा है वी कैन एक्सप्लेन इट थ्रू टेबल एंड डायग्राम. हमें अभी एक टेबल बनानी होगी जिसमें हमने आउटपुट मेंशन किया है, MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, MC मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट. तो हमने यूनिट्स जो लिए हैं अप टू 11 ली है. मार्जिनल रेवेन्यू को हमने कॉन्स्टेंट लिया है जो 12 है. मार्जिनल कॉस्ट 15, 12, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10. और इधर हम जो है टोटल कॉस्ट को लर्न कर सकते हैं. वहां से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं. अब तक आपको मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल वैल्यूज हैं वो निकालना आ गया होगा. सेम एज टोटल रेवेन्यू है हमारा. स्टूडेंट्स ये टेबल आपको लर्न करनी होगी. एग्जाम में ये कहीं से नहीं आएगी. अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको प्रॉपर डेफिनेशंस, प्रॉपर टेबल, प्रॉपर डायग्राम्स शो करने होंगे एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज डायग्राम्स ऑल्सो. तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे. अब इस टेबल के बेसिस पे हम एक डायग्राम बनाएंगे. इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए. लर्न करने के लिए अगर हम मैं आपको बताऊं तो TR जो है ऐसे हम कर सकते हैं. 12 का टेबल चल रहा है यहाँ पे. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 इस तरह से. और TR में हम MR जो ऑब्वियसली है 12 ही इंक्रीज हो रहा है तो ये सब क्या आ जाएगा आपका 12. सेम एज जो है टोटल कॉस्ट को आप लर्न कर लीजिए. टोटल कॉस्ट लर्न कर लेंगे तो आप MC इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे निकलेगा MC मैं फिर से आपको बता देती हूँ. टोटल कॉस्ट हमारी 15 है. अगर सेकेंड हमारी 27 है तो हमें अगर MC निकालनी है तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 15. यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 माइनस, बिकॉज इससे पहले कोई भी आपकी यूनिट नहीं है. 15 माइनस 0 ये आ जाएगा आपका 15 और ये आएगा हमारा 12. तो इस तरह से हम TC की हेल्प से MC निकाल सकते हैं. आप फर्दर कैलकुलेशंस कर लीजिएगा. अब इस टेबल के हेल्प से हम जो है इसका डायग्राम बनाएंगे. इस टेबल की हेल्प से हमने डायग्राम बनाया है स्टूडेंट्स. दिस इज आउटपुट. X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे हमने लिया है MR एंड MC. हमें पता है AR और MR कॉन्स्टेंट है तो हमने इसको इस तरह से शो किया. देन MC जो है वो इस तरह से हमारा बनेगा. नाउ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी रिक्वायर्ड थी. फर्स्ट वन MR MC के इक्वल होना चाहिए. मैंने यहाँ कॉर्नर में भी मेंशन किया है. सेकेंड, MC शुड बी राइजिंग. थर्ड जो है इस तरह से होगा हमारा जो प्रॉफिट है वो TR माइनस TC. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पॉइंट हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, जहाँ पे MR MC के इक्वल है. तो 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ सामने आ रहे हैं. MR जहाँ MC के इक्वल है. अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो A है या B है. तो हम इस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे. इन द अबव डायग्राम द प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी. जो प्रोड्यूसर है पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम में आ रहा है, वेयर ओ एन यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस. ओ एन यूनिट्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं. ऑल्सो एट पॉइंट ए पे भी हम अगर देखें तो एम आर जो है एम सी के इक्वल है. यहाँ पे भी एम आर एम सी के इक्वल है, यहाँ भी एम आर एम सी के इक्वल है. तो पॉइंट ए पे एम आर एम सी के इक्वल है व्हेन आउटपुट इज ओ एम, जब हमारा आउटपुट क्या है ओ एम. बट ऑन दिस पॉइंट प्रोड्यूसर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम में? बिकॉज यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो एम सी शुड बी राइजिंग वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो प्रोड्यूसर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर एम सी इज फॉलिंग. सिंस प्राइस इज कॉन्स्टेंट, प्राइस कॉन्स्टेंट है हमारा, फॉलिंग एम सी वुड मीन अब जो एम सी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है उसका मतलब हमारा क्या है, एम आर जो है वो ग्रेटर देन एम सी है बियॉन्ड पॉइंट ए के अबव. दिस इम्प्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर पॉसिबिलिटी. यहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी अभी भी दिख रही है, तो प्रोड्यूसर अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता. तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी इफ आउटपुट इज इंक्रीज, अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं तो. बियॉन्ड पॉइंट ए प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज ओनली एट पॉइंट बी. जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज जो है पॉइंट बी पे ही होगा हमारा. दिस इज पॉइंट बी वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी and also MC is rising. यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट. MR if producer attempts to rise output beyond B it would mean MR is less than MC. So यहाँ पे जो है MR MC से नीचे हो जा रहा है. तो hence it is only at point B that profits are maximized in equilibrium strike. तो point B ही ऐसा है जहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ MR is equal to MC है और MC हमारा राइज हो रहा है. तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट क्वेश्चन था आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का. अगर ये आपका 6 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है, किसी भी तरह से आता है तो आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना होगा. तो एक बार फिर से आप देख लीजिए हमने क्या क्या चीज़ें की हैं इसमें. पहले हमने प्रोड्यूसर की डेफिनेशन दी है, फिर हमने 3 कंडीशन बताई हैं जो कि है एम आर एम सी के इक्वल होना चाहिए, एम सी शुड बी राइजिंग और प्रॉफिट क्या होगा टी आर माइनस टी सी. उसके बेसिस फिर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें एम आर एम सी टी आर टी सी को हमने शो किया है. उस टेबल के बेसिस पे हमने डायग्राम बनाया है. देन वी हैव प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम. सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट अटेम्प्टेशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया है कंप्लीट. यहाँ आप इसे इसी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा, इसी तरह से लर्न कीजिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द अदर वीडियो दैट इज ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय.